वेस्ट बंगाल घटना के विरोध में सोमवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन व आरटीए के डॉक्टर्स ने शांति मार्च निकालकर उक्त घटना का विरोध जताया। इस दौरान शांतिपूर्वक मार्च करते हुए आरटीए डॉक्टर्स ने प्रदेश सरकार से डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की, जिससे कि वे मरीजों का बेखौफ होकर इलाज कर रहे हैं। आरटीए टांडा के अध्यक्ष डॉक्टर अमित राणा ने कहा कि आज टांडा अस्पताल में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार जल्द उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, ताकि कोई भी डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस न करे तथा सभी स्वतंत्रता से मरीजों का इलाज करे। बंगाल में हमारे कुछ डॉक्टर्स पे एक बहुत ही जानलेवा सा हमला हुआ, जिसमें उनको काफी चोटें भी आई हैं, जिसके विरुद्ध हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश में ही, प्रदेश में ही डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दी जाए, ताकि वो निर्भय होकर काम कर सकें, अपने मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें, और उनके मन में ये ना रह जाए कि मैं इलाज जो कर रहा हूँ तो मुझे डर के करना है, या कुछ ऐसे डिसीजन जो पेशेंट के लिए लेने हैं वो ना ले पाए। तो हम सभी उनके देश भर के लोगों के लिए अपने डॉक्टर्स के साथ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज जैसे कि पूरे देश में ही बंद चल रहा है आरडीएस का सारी पूरे देश में, तो हम भी उसी में हम जुड़े हुए हैं, और हमारे कॉलेज में भी सारे स्टूडेंट